सो दोस्त, एक बार फिर से नीट की पोस्टपोन को लेकर काफ़ी सारी खबरें आपको देखने सुनने को मिल रही होगी। बहुत तेज़ी से ट्विटर पे ट्रेंड भी हो रहे हैं कि नीट यूजी को पोस्टपोन किया जाए अक्टूबर महीने के तक। ठीक है, तो यार इस कैंपेन में काफ़ी बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। मैं बात करूं बीजेपी कई लीडर खुद अब यहाँ पे नीट को लेकर, नीट के पोस्टपोन को लेकर यहाँ पे अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो दोस्त, आज की वीडियो में बात करूँ कि नीट आपका पोस्टपोन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो रीज़न क्या है या फिर क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ ए टू जेड पॉइंट पे बात करेंगे। और मैं डीजी एनडीए को भी ये टैग करके यहाँ बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही है। टाइम्स नाउ ने एक पोल कराई है जिसमें उन्होंने नीट के पोस्टपोन की बात कही थी, जिसमें पोल में मैं आपको बता दूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये पोल हुआ है। और मैं आप फिर से आपके सामने यहाँ पे पोल करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, 89.5% से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे पोल में यस क्लिक किया कि नीट को यहाँ पे पोस्टपोन किया जाना चाहिए। 20,000 वोट आए हैं, 20,000 में से काफ़ी सारे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे नीट के पोस्टपोन करने की आवाज़ उठाई है। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि नीट के आसपास काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स एक साथ पढ़ रहे हैं, जैसे कि ICR हो गया, कॉमडेक कर्नाटक एग्ज़ाम्स हो गया, उड़ीसा जेक एग्ज़ाम्स हो गया, और CBSE के इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम, तो जो कि लगातार कंटिन्यू आपस में डेट इन दी क्लैश कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए नीट को पोस्टपोन करने की आवाज़ उठ रही है। बात करें अगर नीट के रिगार्डिंग NTA की अभी तक की क्या रिपोर्ट है, तो NTA ने साफ साफ क्लियर किया कि वो एग्ज़ाम्स 12th ऑफ सितंबर को लेंगी। उसके बाद वो अभी तक नीट की एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट हो गई है, करेक्शन विंडो की डेट ऑफ हो गई है, लेकिन अभी तक नीट के पोस्टपोन को लेकर कोई खबर है नीट की ऑफिशियल वेबसाइट से, NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी खबर आके सामने नहीं आ रही। ठीक है, तो गाइस बात करते क्या नीट आपका पोस्टपोन होगा या फिर नहीं, लेकिन जिस टाइप से माहौल बनता जा रहा है, इस टाइम डेली ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कि नीट UG को पोस्टपोन किया जाए अक्टूबर तक, या फिर नीट UG की डेट को आगे के लिए एक्सटेंड किया जाए, तमाम टाइप्स की हैशटैग कंपनी यूज हो रहे हैं, जिसमें अब काफ़ी बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि सपोर्ट में आ रहे हैं नीट कैंडिडेट्स के सपोर्ट में। ठीक है, तो दोस्त क्या आपको लगता है कि यहाँ पर नीट पोस्ट होगा, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर दीजिएगा, और जो भी आपका डिसीजन हो आप हमसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये भी लगता है कि नीट एक साल में दो बार होना चाहिए, जैसे कि जेई मेंस एक साल में अब चार चार बार होते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट मिलते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन नहीं कर पाए वो फोर्थ में भी अटैम्प्ट हो सकता है, लेकिन नीट के लिए नीट पे इतने ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी केवल एक सेशन क्यों? तो काफ़ी सारे यहाँ पे नीट के बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नीट के जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है उस पर भी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन उठ रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुए हैं, तो उसमें भी आगे के लिए इस बात पे कि टाइम रिविज़न करने का टाइम और ज़्यादा मिले, तो इसको लेकर भी नीट को पोस्टपोन करने की आवाज़ उठ रही है। अगर बात करें हम ट्विटर की, तो पहले देख लेते हैं कि नीट एग्ज़ाम्स अभी तक की हाल फिलहाल की डेट 12th ऑफ सेप्टेम्बर है, कोई पोस्टपोन की न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों कहना है कि नीट के एग्ज़ाम्स क्लैश हो रहा है CBSE और ICSE एग्ज़ाम्स के साथ, सो नीट को आगे के लिए पोस्टपोन किया। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे हम ट्विटर पे, ठीक है, एग्ज़ाम्स के बाद इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स के बाद हम आपके नीट एग्ज़ाम्स देंगे, लेकिन वो 10 अक्टूबर या फिर अक्टूबर के महीने में होना चाहिए। ठीक है, डेली के ट्वीट हो रहे हैं, लेटेस्ट आप ट्वीट में भी देख सकते हो, एक एक सेकंड में यहाँ पे ट्वीट हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ट्वीट जो ट्वीट की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो नीट को अगर आपको भी लगता है कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और काफ़ी सारे लोग बच्चों जो हैं वो यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे छात्र संगठन भी यहाँ पे नीट पोस्टपोन को लेकर लेटर लिख चुके हैं एजुकेशन मिनिस्टर को, लेकिन उनके सभी तक कोई भी इसको लेकर आवाज़ उठाई नहीं, कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। सो अगर आपको भी लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके शेयर करना। मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर हो गई है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड हो या फिर जेई नीट, ठीक है, उसका एक सोल्यूशन है फिलो ऐप। फिलो ऐप के बारे में आपको 24/7 कभी भी आप अपने डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो इन 3 easy steps। सबसे पहले आपको करना होगा प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से फिलो ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करना है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को टाइप करके उसकी पिक्चर को लेके अपलोड कर सकते हो यहाँ पे अंडर 60 सेकेंड। ठीक है, एक मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन आप किसी भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव कनेक्ट हो सकते हो। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो, ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइस, स्टेप सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्त, अगर आप हमारे रेफरल कोड AUG003 का यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।